करुणा सीकर नाम से लिखा है, आई थिंक मैं अभी अद्वैत के लिए तैयार नहीं हूँ, द्वैत में कुछ अधूरा सा है मेरा जिसे मैं महसूस करना चाहती हूँ। अद्वैत की हल्की सी झलक दिखती है पर द्वैत में समाकर ही अद्वैत की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी सदमों की वजह से अब तक सोए हुए सुन्न सी होकर गुजारी है, अब थोड़ा सा अपने में जागी हूँ तो अपनी इच्छाओं की तरफ भी जागरूक हो रही हूँ। अपनी देह के मेरे आसपास की प्रकृति के रहस्यों को, द्वैत को समझना चाहती हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। प्लीज सेट सम लाइट ऑन दिस फॉर मी। संसार में ऐसा कोई नहीं कि जो अद्वैत के लिए तैयार नहीं। हर कोई वस्तुतः अद्वैत में ही जी रहा है, बस उसका बोध घटना है, उसकी अवेकनिंग आनी है। हर व्यक्ति तैयार है। तो ये कहना कि मैं अभी तैयार नहीं हूं अद्वैत के लिए, ये अर्थहीन है। अपने को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। द्वैत को जानना, जो बात कही है कि द्वैत को जानना है, तो वो जानना तो घटेगा। अद्वैत के रहस्यमय धारा से ही घटेगा, क्योंकि द्वैत वहीं से प्रकट हुआ है। द्वैत मूल रूप में कहीं नहीं है, मूल रूप में तो अद्वैत है। केवल मैनिफेस्टेशन के लिए, केवल इस संसार में अभिव्यक्ति के लिए ये द्वैत में टूटती है दुनिया। लेकिन जरा सा झांकेंगे तो हर द्वैत के पीछे तो अद्वैत ही खड़ा है। जो अद्वैत को जानता है, जीता है, वो ऐसा नहीं कि द्वैत में फंक्शन ही नहीं करता, क्योंकि संसार में द्वैत में फंक्शन करने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है। संसार में हम हैं, जब शरीर मन में हम आए हैं, तो जो भी हम काम करेंगे, हम जो कुछ भी कहेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, करेंगे, वो सब द्वैत से ही घटेगा। संसार द्वैत का ही सारा कार्य व्यापार है। तो जैसा कि लिखा है कि अब एक जागृति आ रही है, तो ये अनुकंपा है उस सोर्स की, उस स्रोत की, उस परमात्मा की, अस्तित्व की, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। इस जीवन यात्रा में बहुत कम शरीर मन इतने सौभाग्यशाली होते हैं जिन पर उस अस्तित्व की अनुकंपा बरसे कि वो अपने स्वरूप को जानने की तरफ अग्रसर हो जाएं। वो भी एक रहस्य है, तो वो घट रहा है, उसका स्वागत करें। द्वैत के रहस्यों में उतरने की जो तैयारी है, तत्परता है, उसके साथ चलें। ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हों, अपनी संवेदनशीलता पर, अपनी सजगता पर काम करें। नाम लिया है करुणा सीकर, तो सीकर और करुणा इन दोनों को मिला लें। सर्वाधिक काम करें अपनी करुणा पर। करुणा का तात्पर्य है न स्वयं आहत हों, न किसी और को आहत करें। सचेतन रूप से कभी कुछ ऐसा ना करें जो किसी को आहत करता हो। सारी साधना होगी और द्वैत के रहस्य भी खुलेंगे। एक साधक को पहले कदम पर ही, एक सीकर को पहले कदम पर ही अगर करुणा को साध लेना घट जाए, तो द्वैत के रहस्य खुलने लगते हैं, क्योंकि रहस्य खुलते हैं स्वीकार और प्रेम से, संवेदनशीलता से, आक्रमण से नहीं। करुणा इसी स्वीकार संवेदनशीलता की एक घटना है। तो जो ये नाम लिखा है, इसी को सार्थक करें और फिर सब धीरे धीरे परत दर परत प्रकट होगा। और ये बात अपने अंदर से निकाल दें कि अद्वैत के लिए नहीं तैयार है। तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे कोई कहे कि हम अभी जीने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम काहे के लिए तैयार हैं, हम जी रहे हैं। हाँ,
जीवन को उसकी प्रचुरता में, उसकी प्रखरता में नहीं महसूस कर पा रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जी तो रहे हैं, हमेशा तैयार हैं। तो जो साधना है बस केवल उस प्रचुरता प्रखरता को, जीवन के उस ऐश्वर्य को जान लेने की घटना है। इसीलिए हर साधना हमको ईश्वर से मिलाती है, यानी कि अपने ही ऐश्वर्य से हमें साक्षात्कार करवा देती है, जो जीवन का शिखर है, जीवन की प्रचुरता है। लेकिन हर कोई जीवन में है तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं जीवन के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तरह से हर व्यक्ति अद्वैत में है, स्रोत में है, तो कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं तैयार हूँ। हर कोई तैयार है, ये अलग बात है, उसकी स्पष्टता अभी नहीं है, बस इतनी सी बात।